वेलकम टू टेक्निकल नॉलेज विद इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल मायसेल्फ शुभम शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रैम रोम एचडीडी एसडीडी कैशे मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट इज इट्स वर्किंग सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वी विल गो अबाउट द रोम व्हाट इज रोम रोम रीड ओनली मेमोरी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो रोम इस टाइप की और ब्लैक कलर की होती है और जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल होती है रोम एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है इसको जैसा ही कंपनी ने बनाया होता है जो उसी के बेस पर काम करता है अगर हम चाहे इसमें कोई चेंजिंग करना तो हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते इसमें एक बार जो कंपनी ने लिख दिया वो परमानेंट ही रहता है जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे और जो नॉन वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल मीन इसमें जो भी डाटा होता है वो कभी मिट नहीं सकता तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा काम अभी 80% ही हुआ है और सडनली हमारी लाइट चली जाती है तो जैसे ही हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो 80% से ही कंटिन्यू होगा हमें दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ शायद आपको फिर डीपली से समझ आ जाएगा जैसे कुछ लोगों के घर में वॉशिंग मशीन होती है तो हम उसमें एक हार का टाइमर लगा देते हैं कि जैसे एक हार कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी मशीन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी और हम कहीं काम पर चले जाते हैं तो सपोज कीजिए कि 20 मिनट के बाद लाइट चली गई तो जैसे ही लाइट आएगी वो 20 मिनट को छोड़कर जो 40 मिनट रहते होंगे सिर्फ 40 मिनट ही आपकी मशीन चलेगी उसके बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी रोम को हम सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं बल्कि हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप कार में भी माइक्रोवेव में भी रिमोट कंट्रोल में भी और बहुत जगह में इसका यूज करते हैं बट कंपनी को कभी गलत डेटा की वजह से रोम को भी मॉडिफाई करना पड़ता है तो इसलिए तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट PROM प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते सेकंड EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हम इसमें चेंज कर सकते हैं बट डिफिकल्ट EEPROM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्राम इसमें हम चेंज कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव की वजह से तो रोम का इतना ही था तो अब हम रैम के बारे में स्टडी करेंगे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपको वीडियो में ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है जे रैम है रैम ही सारा काम करता है अगर रैम ना हो तो कंप्यूटर भी किसी का समझ रहे हो काम का नहीं रहता जब हम कोई भी सॉन्ग एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव में चला जाता है और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो वो वहां से रैम में आ जाता है एक ही रैम पर हम मल्टी फंक्शन कर सकते हैं रैम जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा रोम नॉन वोलाटाइल थी और रैम वोलाटाइल है मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ तो जैसे हम रैम में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम सपोज करेंगे कि हमारी लाइट काम करते करते चलेगी तो जैसे हम दोबारा लाइट आने पर अपना पीसी या लैपटॉप ऑन करेंगे तो हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वो सारी हार्ड ड्राइव में चली जाएगी तो हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा जे वहां से कंटिन्यू नहीं होगी जैसे हमारे रोम में वहां से ही कंटिन्यू होती थी पर रैम में वहां से कंटिन्यू नहीं होती हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है तो जे रोम के टोटली अपोजिट है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं तो शायद आपको डीपली से समझ आ जाए जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप होता है हम उसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं चाहे वीडियो एडिटिंग का हो गया चाहे फोटो एडिटिंग का हो गया और आपको पता है कि 10-15 मिनट के बाद आपका पीसी या लैपटॉप बंद होने वाला है किसी भी रीजन से और आप चाहते हो कि आपने जितनी एडिट की है वो सेव हो जाए तो आप सिंपली अपने माउस के राइट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे रिफ्रेश पर्सनलाइज सेव एज सेव तो आप सिंपली सेव एज पे क्लिक कीजिए तो आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा आप फोल्डर का जो नाम रखना होगा तो आप रख लीजिए तो अगर आपको पता है कि 10-15 मिनट आप और एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपकी 50% हो चुकी है तो आप 10% और कर लीजिए तो जैसे हमने 10% की तो आप दोबारा राइट हैंड साइड के माउस पे क्लिक कीजिए आप अभी सेव एज पे क्लिक मत करना आप सिर्फ सेव पे क्लिक करना आपका उसी फोल्डर में 50% और 10% 60% सेव हो जाएगा तो जब आप दोबारा लैपटॉप ऑफ करके ऑन करोगे तो आपका 60% से ही एडिटिंग शुरू होगी RAM is of two types, static RAM and dynamic RAM.
मजा आया। तो अब हम HDD हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो में हार्ड डिस्क ड्राइव को देख सकते हो और हम इसे शॉर्ट में हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। जितना भी डाटा स्टोर रहता है वह सारा हार्ड ड्राइव में ही रहता है। कोई भी सॉन्ग की शूटिंग होगी, विंडोज होगी, फोटोस हो गए, सॉन्ग्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वह सारा का सारा हार्ड ड्राइव में ही रहता है। बट जब हम कोई चीज प्ले करते हैं तो वो खुद ही हार्ड ड्राइव से रैम में आ जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड फास्ट होती है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज इसका बड़ा होता है और ये बड़ी जल्दी बैटरी कंज्यूम करता है और हीट भी बड़ी जल्दी हो जाता है। ये 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट को झेल सकता है, उसके बाद आपको फिर रिपेयर ही कराना पड़ेगा। तो हार्ड डिस्क बड़ी होती है जिसकी वजह से लैपटॉप का साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर इसे गलती से भी टूट गया या छोटा सा भी क्रैक आ गया तो आपका जितना मर्जी इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो टोटली लॉस्ट हो जाएगा, वो आपको कभी वापस मिलेगा ही नहीं। तो इसको देखते हुए इंजीनियर्स ने एक न्यू डिवाइस लाया, SSD सोलिड स्टेट ड्राइव। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी नहीं टूटता। जहां HDD वीडियो को लोड करने में 2 से 3 मिनट लेता है, वहां SSD कुछ ही सेकंड में वीडियो लोड कर देता है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो इसका साइज छोटा होता है और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है और ये 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और इसमें डाटा लॉस्ट होने का डर भी कम रहता है, पर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके PC या लैपटॉप के लिए HDD बेस्ट है या SSD बेस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। तो अगर आपको अपने PC या लैपटॉप में म्यूजिक, वीडियोस या फाइल का वर्क है तो आप सिर्फ HDD का ही यूज कीजिए। तो अगर आपको फास्ट काम के लिए जैसे विंडोज 10 होगी, जहाँ आपने गेम प्ले करनी है, जहाँ आप यूट्यूबर हो, आपने कोई थंबनेल या कुछ भी बनाना है कोई भी बड़े काम के लिए, तो आपको SSD का यूज ही करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास होती है और ये फास्ट मेमोरी होती है। जिस फाइल को हम बार बार सर्च करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को बार बार सेम ही मैसेज करते हैं और नेक्स्ट टाइम सर्च बार में वो मैसेज खुद ही आ जाता है। तो जैसे हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं किसी वीडियो को, किसी सॉन्ग को, तो जैसे हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो बाकी खुद ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। वो काम होता है कैशे मेमोरी का। जब बहुत ही कम मेमोरी होती है, 2 MB की होगी, 4 MB की होगी या 8 MB की होगी। और मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के लिए जरूरी होती है, जैसे कैशे मेमोरी, रोम और रैम। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो यूजर के लिए जरूरी होती है, बैकअप के लिए, जैसे HDD, SSD, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, जो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राफिक्स। तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्राफिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। ग्राफिक्स को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से कंट्रोल किया जाता है और इसे कंप्यूटर की आई, मतलब कि कंप्यूटर की आंख भी कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाता है, हम जो भी कंप्यूटर में कलर देखते हैं वो इसकी वजह से ही देख पाते हैं। और इसके ग्राफिक में जो फैन लगे हुए होते हैं जिसको ठंडे ही रखते हैं और जब मदरबोर्ड में फिक्स रहते हैं। अगर किसी PC में जब मोबाइल में ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो जो उसके कलरफुल हैं वो आपको कलर नहीं दिखाई देंगे। जैसे PUBG और फ्री फायर गेम में कलरफुल ग्राफिक्स होते हैं, तभी तो उनका एरिया अच्छे से दिख पाता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे हम व्हाट्सएप में हमारे पास कोई हाई क्वालिटी इमेज है, हम किसी को सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप उसका ग्राफिक कम कर देता है। तो अगर आपने किसी को इमेज कभी भेजनी भी हो, जीमेल या डॉक्यूमेंट करके भेज सकते हैं, उससे इमेज की क्वालिटी या ग्राफिक कम नहीं होगी। आप जो स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हैं वे बिल्कुल ग्राफिक की वजह से ही देख पा रहे हैं। अगर आपके फोन में ग्राफिक नहीं होगा तो आपको ये इमेज इतनी कलरफुल दिखाई नहीं देगी। तो आज की वीडियो जहां पर ही एंड करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। तो अगर वीडियो में कुछ गलत वर्ड प्रनाउंस किया होगा तो माफ कर देना, सॉरी उसके लिए, अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।